प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए नई नई रेसिपीज वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भूरी भोज रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन फर्चा। ये बहुत ही इजी और टेस्टी होता है। स्नैक्स के टाइम ये बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। फर्चा बनाने के लिए लिया है बोनलेस चिकन। ये बोनलेस चिकन से ही बनता है, आप चाहे तो विथ बोन भी यूज़ कर सकते हो। चिकन को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अभी चिकन में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून लाइम जूस, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, फिर से दोबारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद कढ़ाई पे तेल डाल देंगे गर्म करने के लिए। चिकन को डीप फ्राई करेंगे तो इसीलिए तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 अंडा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली चिकन फर्चा बनता है, पहले मैरिनेट चिकन को ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके उसके बाद अंडा में डुबो के फ्राई करते हैं। और इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो चिकन को दोबारा ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर ले तो ये खाने में और भी अच्छी लगेगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो। इसी तरह से मैंने सब तैयार कर लिया है। और तेल भी गर्म हो गया है, एक एक करके तेल पे डाल देंगे डीप फ्राई करने के लिए। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एकदम से हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। ऊपर से फ्राई हो जाएगा और अंदर तक नहीं पकेगा। चिकन का दोनों साइड पलट पलट के फ्राई कर लेते हैं। देखिए फर्चा बनकर तैयार है। स्नैक्स के टाइम टमाटो सॉस के साथ चिकन फर्चा बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।